बड़वानी। अंजड़ नगर परिषद अध्यक्ष के मामले को लेकर आया नया मोड़। कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। कहा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नगर पंचायत अध्यक्ष को रोक लगाए जाने का किया दावा। कलेक्टर बोले, शासन की ओर से निर्णय लिया है, शासन को कराएंगे अवगत, जो भी आवश्यक होगा की जाएगी कार्रवाई। अंजड़ नगर परिषद के अध्यक्ष को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष संतोष पाटनी के निधन से रिक्त हुई सीट पर राज्य शासन द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई वार्ड नंबर 4 की पार्षद मंजुला पाटीदार को अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर परिषद उपाध्यक्ष रणछोड़ जिराती हाईकोर्ट गए थे और उनका कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा उन्हें इस मामले को लेकर राज्य शासन के निर्णय पर रोक लगा दी है, स्टे दिया है और 27 जुलाई तक रोक लगाई गई है और 27 जुलाई को मामले पर और सुनवाई होगी। वहीं जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा का कहना है, क्योंकि शासन की ओर से निर्णय हुआ है, इसलिए शासन को अवगत कराया जा रहा है और जो भी आवश्यक होगा कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से तानाशाही पूर्वक से राज्य सरकार ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती संतोष शेखर चंद पाटनी के निधन के बाद बीजेपी में शामिल हुए वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद मंजुला राकेश पाटीदार को नियुक्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रणछोड़ जिराती के नेतृत्व में हम हाईकोर्ट गए थे और आज हाईकोर्ट ने राज्य शासन के जो निर्णय दिया था उस पर रोक लगा दी, उस पर स्टे लगा दिया था। 27 तारीख तक उन्होंने स्टे करके हमें आदेश दिया है और उसी के लिए हम कलेक्टर ऑफिस आए थे और कलेक्टर से मांग करी है कि जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका पालन कराया जाए और जो चार्ज नगर परिषद अध्यक्ष को दिया है उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हाँ, उन्होंने एक नगर पालिका अध्यक्ष को ये ज्ञापन दिया है, हाईकोर्ट के कोई आदेश साथ में उस पूरे प्रकरण को, चूँकि शासन से निर्णय हुआ है, मैं शासन को भी अवगत करा रहा हूँ और इसका प्रश्न करके हमारे से कोई कार्रवाई होगी तो यहाँ से कार्रवाई भी कराई जाएगी।